एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। हमने इससे पहले की क्लास में देखा कि प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल और उसके साक्ष्य प्राप्त क्या क्या हैं, शैलचित्र कहाँ कहाँ मिले हैं और उसके खोजकर्ता कौन कौन से हैं। आज हम इसी कड़ी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका महापाषाण काल का, ताम्रपाषाण काल का और आद्य इतिहास का। हम जानते हैं कि मानव सभ्यता ने अपने विकास के चरणों में अगर सबसे पहले किन्हीं धातु का प्रयोग किया तो वो तांबा था। तांबे का जो गुणधर्म है बेसिकली वो लचीला होता है, भुरभुरा होता है, उसे किसी प्रकार का औजार बनाया नहीं जा सकता, तो वो बहुत ज़्यादा कामगर नहीं होगा। इसीलिए तत्कालीन समय के जितने भी मनुष्य थे, मानव ने तांबे के साथ साथ पाषाणों का भी प्रयोग किया। पाषाण के साथ में जो तांबे का प्रयोग हुआ इसलिए संपूर्ण काल जो है ताम्र पाषाणिक काल के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और बेसिकली इस समय हम सभ्यता के साथ साथ में संस्कृति के उत्थान का समय भी देख रहे हैं, संस्कृति का समावेश भी देख रहे हैं और सभ्यता और संस्कृति अब एक साथ चलने लगी है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र से जो ग्रामीण सभ्यता स्थापित हुई वही आगे चलकर आद्य ऐतिहासिक काल की एक बड़ी पृष्ठभूमि सिद्ध होती है। अब हम ताम्रपाषाणिक काल की अवस्थाओं में जब चर्चा करेंगे तो उसमें महापाषाण काल और वो किस तरीके से आद्य इतिहास की तरफ बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव कैसा था, इस चीज़ों को देखेंगे और फैक्चुअल तरीके से देखेंगे इस पर। बेसिकली हम देखते हैं कि ताम्रपाषाणिक काल में अगर मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया तो छत्तीसगढ़ के निकट के जो क्षेत्र हैं बालाघाट, है ना, दक्षिण कौशल के निकट का जो क्षेत्र है बालाघाट, यहाँ से 424 तांबे के औजार हमको प्राप्त हुए थे। कितने? 424 तांबे के औजार प्राप्त हुए और 102 लगभग चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे। ये सिक्के अवश्य प्राप्त हुए लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित नहीं है कि ये ताम्रपाषाण काल के चांदी के सिक्के हैं, क्योंकि चांदी का प्रयोग इतना जल्दी यहाँ पर हुआ नहीं था। दूसरा, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि इस समय सभ्यता और संस्कृति का साथ साथ क्या चल रहा है, संपर्क चल रहा है, समावेश हो रहा है। तो सभ्यता और संस्कृति का समावेश कैसा कि रोगों का जो रहन सहन है, जो उनकी वेशभूषाएं हैं और वो जिस तरीके की नए दिनचर्या और नए कार्यों को जिस तरीके से संपादन करते हैं, उसमें नए लक्षण जो आते हैं सामने, यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी संस्कृति का एक रूप है, हम कह सकते हैं इसको। इस समय सबसे खास बात जो है कि ताम्रपाषाणिक काल में मनुष्य ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ की। अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में उसने क्या प्रारंभ किया कि शवों को वो दफनाने लगा, है ना, कि घर के उत्तर दक्षिण दिशा में कलश में रख कर शवों को वो क्या करता था, उसके अस्थियों को, अलग अलग विधियां थी जिस पर चर्चा हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें अलग से करेंगे। अब इसमें क्या, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शवों को दफनाने लगा, गाड़ने लगा, ये उसकी एक पद्धति बन गई। शवों को दफनाने के बाद जो है वो क्या करता था, एक बड़ा सा शिलाखंड लेकर वो क्या करने लगे, उसके ऊपर रखने लगे एक स्मारक के रूप में, एक स्मारक का ढांचा जैसा बनाया जा रहा था। और इस समय इस बड़े शिलाखंड को हमने क्या कहा, महापाषाण कहा। क्या कहा? महापाषाण कहा। और इसी पद्धति के कारण, इसी प्रचलन के कारण जो है इस काल को संपूर्ण हम क्या कहते हैं, महापाषाण काल कहते हैं। इस समय की सबसे खास बात क्या कि जो महापाषाण जो स्मारक जो मिल रहा था उसे हम महापाषाण पट्टतुंब और या फिर हम उसे क्या कहते थे, महापाषाण स्मारक या डॉलमेन कहते थे। क्या? महापाषाण पट्टतुंब या डॉलमेन, ये हम इसे कहते थे। अब छत्तीसगढ़ में ये किन किन क्षेत्रों में प्राप्त हुआ या ताम्रपाषाणिक काल के और महापाषाण काल के जो संपर्क क्षेत्र थे इस समय वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे पहला क्या कि बालोद जिला जो है हमारा, बालोद जिला के चिरचारी, सोरर, करही भदर, यहाँ से हमको पाषाण घेरा प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाणिक काल के पाषाण घेरा प्राप्त हुआ है। इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा कि कोंडागांव का जो गढ़धनोरा का जो क्षेत्र है, गढ़धनोरा क्षेत्र से भी ताम्र पाषाणकालीन आवास के कुछ घेरे प्राप्त हुए, कुछ पाषाण घेरे उस समय प्राप्त हुए हमको, जबकि कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, कुछ नोट्स में ये बताया जाता है कि जो गढ़धनोरा है वहां से 500 महापाषाण स्मारक
प्राप्त हुए हैं, जो बिल्कुल क्या है गलत है ना, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका पर्सनली मैंने भी एनालिसिस किया है और मैंने उस शोध में भी शामिल किया था। अब पाषाण घेरा यहाँ से हमको प्राप्त हुए कहाँ से, चिरचारी सूर करीभद्र से और गढ़ धरोरा, एक आप उसको ध्यान में भी रखेंगे। इसके अतिरिक्त तो जो बालोद क्षेत्र का कर्काभाट जो क्षेत्र है, कर्काभाट में यहाँ पर महापाषाण घेरा भी प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, यहाँ पर कुछ मृदभांड भी प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो बहुत से एग्जामों में पूछता भी है, इस संदर्भ में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इस महापाषाण स्मारक या महापाषाण पट्टतुम से रिलेटेड, जिसके बारे में अभी आपसे बोल भी रहा था, बालोद जिले के ग्राम धनोरा में, आप इसको सुधार भी सकते हैं जो पुरानी किताबें हैं, क्योंकि जिला विभाजन से पहले दुर्ग क्षेत्र में आता था, दुर्ग जिले में आता था, लेकिन इसके बाद जो है अभी बालोद जिले में है, ध्यान में रखिएगा। बालोद जिले के ग्राम धनोरा, ये पूरा बेल्ट लगा हुआ है, चिरचारी सोरर करीभद्र और ये ग्राम धनोरा का जो क्षेत्र है, तो बालोद के ग्राम धनोरा जो क्षेत्र है, इस ग्राम धनोरा क्षेत्र में 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए, 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, महापाषाण पट्टतुम्ब भी कह रहे हैं, महापाषाण पट तुम ये भी हम कह रहे हैं, या डॉलमेन भी हम इसे कह रहे हैं। तो धनोरा से हमको 500 महापाषाण पट्टतुम प्राप्त होता है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बोल रहा हूं, बहुत सारी किताबों में इस बारे में नहीं दिया गया होगा, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये सारी चीजें हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से मैं सारी चीज बता रहा हूं। और मेरी किताब छत्तीसगढ़ दर्शन में भी इस बात को हमने मेंशन किया है कि इसकी इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया, ठीक है। मैक्सिमम सरलता से व्यापम में पीएससी में आपको प्रश्न यही पूछ रहा होता है कि इसकी कई बार लिखा हुआ रहता है कि खोज किसने किया था या फिर उसका सर्वेक्षण किसने किया। तो ध्यान रखिएगा कि 500 महापाषाण स्मारक की जो खुदाई हुई, सर्वप्रथम खुदाई या उसके उत्खनन का कार्य या इसे खोजने का कार्य, इसके खोजकर्ता जो थे सन 1956 to 1957 इसके खोजकर्ता जो थे सन 1956 से 57 के मध्य डॉक्टर एमजी दीक्षित, एमजी दीक्षित मोगेश्वर गंगाधर दीक्षित, डॉक्टर मोगेश्वर गंगाधर दीक्षित, यह सागर विश्वविद्यालय के प्रमुख इतिहास विभाग से जुड़े हुए प्रोफेसर भी थे। अब उन्होंने ही क्या किया था, 1956 और 57 में क्या किया था, सर्वप्रथम इन महापाषाण स्मारकों की, जिनकी संख्या 500 तक प्राप्त हुई, उसे इन्होंने खोजा था। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनता है आपको, ये इसे खोज करता है, ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर एम जी दीक्षित या मोगेश्वर गंगाधर दीक्षित, ये इसके क्या है, सर्वप्रथम इसे खोज करता है। इसके बाद में इसका संपूर्ण सर्वेक्षण या इसके बारे में पूर्ण अध्ययन जिन्होंने किया, उनमें से पहला नाम आता है क्या, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर रविंद्र नाथ मिश्र, और दूसरा नाम आता है डॉक्टर जे आर कांबले, डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र और डॉक्टर जे आर कांबले। ध्यान रखिए कि सर्वप्रथम इसका 1956-57 में किसने किया था, एमजी दीक्षित ने किया इसका खोज, और उसका संपूर्ण सर्वेक्षण फिर बाद में किसने किया, डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र और डॉक्टर जे आर कांबले, ये इतिहास विभाग से थे और ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के HOD थे। तो इस तरीके से दो व्यक्तियों ने क्या किया, आपका सर्वेक्षण किया था इस समय, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कि कैसे तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है, 3 क्वेश्चन यहीं पे हमको दिख रहा है कि एक तो सबसे ज्यादा 500 महापाषाण स्मारक हमको किस जिले से या किस स्थान से हमको प्राप्त हुआ, तो ध्यान में रखिए कि बालोद जिले के ग्राम धनोरा से प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न हमको ये मिलता है, बनता है क्या, कि 500 महापाषाण स्मारक को या फिर बालोद जिले में स्थित महापाषाण स्मारकों की खोज सर्वप्रथम किसने की या खुदाई सर्वप्रथम किसने की, तो उत्तर क्या आ जाए,
जाएगा डॉक्टर एम जी दीक्षित, और ईयर क्या आ जाएगा 1956 to 57, और इसका सबसे सर्वेक्षण किसने किया तो डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र और जे आर कामले। ये दोनों हमारे यहाँ पे तीन प्रश्न बनते हैं इस फैक्ट से। ध्यान में रखिए कि डॉक्टर एम जी दीक्षित का संबंध ना केवल बालोद जिले से था बल्कि सिरपुर से भी था, क्योंकि सिरपुर की पहले गढ़ की खुदाई या पहले टीले की खुदाई भी जो प्रारंभ की थी वो किसने की थी, एम जी दीक्षित ने की थी 1953 के आसपास में। उसके विषय में जब हम चर्चा करेंगे सिरपुर के बारे में तब उसको गहनता से और बताऊंगा मैं। ये हमारा क्या होता है कि महापाषाण काल ताम्रपाषाण काल ये दोनों का एक ढांचा यहाँ पे तैयार होता है, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है आद्य इतिहास आता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत हम क्या किसे अध्ययन करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी बेसिकली उसका उदय ताम्रपाषाण काल की पृष्ठभूमि पर हुआ था। चूंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, एक नगरी सभ्यता थी, और ताम्रपाषाण काल की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता से एक नगरी सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था। लेकिन आद्य इतिहास के संबंध में छत्तीसगढ़ का संपर्क कैसे था, ये छत्तीसगढ़ संपर्क में कैसे आया था आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ में जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमको यह मालूम है कि आद्य इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। अब ध्यान दीजिए, जब इतिहास को हम धातु के युग के रूप में बांटते हैं तो पहला युग हम पढ़ते हैं किसका, एक तांबे का, दूसरा हम पढ़ते हैं कांसे का या कांस्य युग पढ़ते हैं, और तीसरा जो हमारा है वो कौन सा है, लौह युग, जो हम वैदिक काल के बाद से देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता चूंकि कांस्ययुगीन सभ्यता थी और एक नगरीय सभ्यता थी, इस कांस्ययुगीन सभ्यता का सबसे प्रमुख बिंदु क्या है, इसका खनिकर्म या फिर इस समय के जो लोग कहना चाहिए कि जिस मेटलर्जी का यूज करते थे या खनिकर्म का प्रयोग करते थे जिसमें तांबा प्लस टिन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांस्य बनाया जाता था, जो इस समय के सभ्यता में सबसे ज्यादा इसने क्या ला दी थी, क्रांति ला दी थी कांसे ने। और कांसे के बर्तनों के साथ साथ में अलग शिल्प कला में भी बहुत प्रयोग किया गया और औजारों में इसका पूर्णतः प्रयोग किया गया, और कांसे सबसे कठोर धातु होता है हम जानते हैं। तो इस समय तांबे के बाद या तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया। अब कांसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, टिन। ध्यान दीजिएगा, ये आपको बहुत सारी किताबों में सारी चीजों का उल्लेख नहीं होगा, ये एक एनालिसिस है और एक शोध का विषय था जिसको मैंने अध्ययन में शामिल किया है। बेसिकली बहुत सारे नोट्स में इस बात की उल्लेख है भी नहीं कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से रहा होगा या सिंधु घाटी का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा होगा। चूंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा देश है जो देश में अव्वल है टिन के लिए, केवल टिन का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है बेसिकली हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ से होता है और बस्तर क्षेत्र से ज्यादा होता है। हमारे यहाँ एक चीज और प्रचलन में है, क्या वो है, घड़वा शिल्प या ढोकरा क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं। अब जब हम कांस्ययुगीन सभ्यता में पढ़ते हैं तो इसका एक प्रमुख बिंदु आता है कि इस समय लघु मृण मूर्तियां बनाने के लिए मोम सांचा विधि का प्रयोग किया जाता था। मोम सांचा विधि का प्रयोग किया जाता था, ठीक। जो छोटी छोटी मूर्तियां होती थी, लघु मृण मूर्तियां होती थी, तो उनको बनाने के लिए क्या किया जाता था, मोम सांचा विधि का प्रयोग किया जाता था, जो आज भी प्रचलन में है।
तो यह संस्कृति, यह जो क्रियाकलाप है वह एकाएक बस्तर में आया है ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं इसका आद्य इतिहास के समय से संपर्क रहा होगा। और हमको यह मालूम है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जितनी भी आयातित वस्तुएं थी, उन आयातित वस्तुओं में एक टिन भी था जो दक्षिण भारत के क्षेत्र से आता था। और बेसिकली वह जो दक्षिण का जो क्षेत्र है हमारा, अगर हम बार बार बात करेंगे कि नामकरण में भी हमने चर्चा किया कि यह क्षेत्र था, वो विंध्य पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र है। अगर इस स्थान से वहां सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर टिन जा रहा था, आया यहाँ से निर्यात किया जा रहा था, या सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से आयात किया जा रहा था, तो हम मान के चल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का संबंध भी किससे रहा होगा, बस्तर से या छत्तीसगढ़ से रहा होगा, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती है। क्योंकि बस्तर में घड़वा शिल्प या ढोकरा क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें भी सेम पद्धति का या इसी तरीके की पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। हमने देखा क्या कि प्राचीन इतिहास के अंदर महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और आद्य इतिहास जो है हमारा किस तरीके से प्रभावित था और किन किन क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ हमारा ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर हम देखेंगे वो वैदिक काल से संबंधित होगा। धन्यवाद।